नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्ट्रीम। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, पिछले हफ्ते शुक्रवार को ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर बहुत सक्रिय दिख रही है, लेकिन जेडीयू के भीतर कुछ निष्क्रियता है। लेकिन यदि पिछले 3 दिनों में हम देखें, जेपी नड्डा की यात्रा के बाद और भी बहुत अधिक, सबसे अधिक तेजी तो नीतीश कुमार में ही दिखाई पड़ी, जो निकलते नहीं थे रोज निकल रहे, जो मिलने जाना चाहते हैं नीतीश कुमार उनके यहां पहुंच जा रहे हैं। और आज देखिए विवाद क्या होगा, बहस क्या होगी, वह अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह, उनके घर लदमा बार में मिलने पहुंच गए, कार्यक्रम में गए थे, लेकिन अनंत सिंह क्या नहीं भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक संदेशा दिया। और देखिए, जब जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता से पूछा गया कि अचानक क्या जरूरत हो गई कि नीतीश कुमार अनंत सिंह के पास पहुंच गए, तो जवाब था, पिछले कुछ दिनों से आप लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात पर बहस कर, जबकि हमारे नेता ने कह दिया कि तीसरी बार गलती हम नहीं करने जा रहे, तो आपके लिए बहस के लिए एक उन्होंने नई मुलाकात कर दी। अब इस पर बहस कीजिए कि अनंत सिंह से मुलाकात उन्होंने क्यों की, अनंत सिंह कौन है और क्या है। और देखिए, इस बात के संकेत भी अब मिलने लगे हैं बीजेपी के भीतर से भी, जेडीयू के भीतर से तो पहले से ही, कि बिहार में चुनाव समय से पहले होंगे। और यह संभव दिख रहा है कि दिल्ली के साथ चुनाव करा दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि लोकसभा चुनाव में हमारा जादू चला है, इस जादू को हम अभी बरकरार रख सकते हैं। लेकिन उम्र भी हो रही है, उम्र जनित समस्याएं भी हैं, यदि हमने देरी की, और अभी ऐसा वक्त है जिसमें बीजेपी वाले भी सभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही नेता हो, तो आगे कोई स्थिति परिस्थिति स्वास्थ्य को लेकर कोई चर्चा या कोई परेशानी हो इसके पहले, फिर एक नई चुनौती प्रशांत किशोर है। और प्रशांत किशोर की ताकत क्या है, रणनीतिक ताकत, चुनाव तो अभी उन्होंने लड़ा नहीं है, लेकिन चुनाव को बदलना कैसे जानते हैं, यह बात सबसे अधिक नरेंद्र मोदी जानते, क्योंकि नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर 2011 से 2014 तक एक ही बंगले में गुजरात में रहे, और मुख्यमंत्री का चुनाव, फिर प्रधानमंत्री का चुनाव। इसके बाद जब बीजेपी का सुमेध रथ चल रहा था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे, 2014 में नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव हार गए थे, मतलब उनकी पार्टी हार गई थी, मात्र 2 सीटों पर सिमट गई थी, तब 2015 में फिर कैसे महागठबंधन का निर्माण और बिहार में बाहर है नीतीश कुमार। तो देखिए, बीजेपी को पता है, नीतीश कुमार को पता है, ममता बनर्जी को पता है, स्टालिन को पता है, और चंद्रबाबू नायडू को पता है, जगन रेड्डी को पता है कि क्या रणनीतिक ताकत है। और खबर यह भी आ रही है कि प्रशांत किशोर के जितने शिष्य रहे हैं, देश में करीब 20,000 ऐसे लोग हैं, क्योंकि इस विधा का इजाद ही उन्होंने किया, जिनका परिचय है कि उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ काम किया है, तो वे तमाम लोग पटना लैंड करने लगे हैं, 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होना है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में बिहार बिल्कुल चुनाव के करीब जाता दिख रहा है। बीजेपी जो पहले इस मूड में थी कि नहीं समय पर चुनाव, वह भी तैयार हो रही है। हाँ, बस देखा यह जाना है कि जो अभी 3 राज्यों में चुनाव है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, अभी 2 राज्यों में है, और 2 राज्य बाद में है, महाराष्ट्र और झारखंड। हाँ, तो इन 2 राज्यों में जो चुनाव हुए उसके संकेतक क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और फिर हेमंत सोरेन झारखंड में बहुत तेजी से फील्डिंग कर रहे हैं। देखिए, बिहार में वृद्धों को 400 रुपए का पेंशन मिल रहा है, और आज हमने देखा कि हेमंत सोरेन ने 50 वर्ष की महिलाओं के लिए पेंशन फिक्स कर दिया, ये 50 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा, और फिर माताओं और बहनों को किस तरीके से, तो बिहार चुनाव की ओर बढ़ रहा है। नीतीश कुमार बहस के नए कोण खड़े कर रहे हैं। अजीत जी, देखिए, नीतीश कुमार तो पहले भी थोड़े सक्रिय थे, वो हम लोग उस दिन भी फ्राइडे को, जिस दिन शुक्रवार को चर्चा कर रहे थे,
उस दिन भी हम लोगों ने ये बात की थी कि जेडीयू की कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं दिख रही है, लेकिन इंडिविजुअली बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल रहे हैं, कभी सड़क का मुआयना करने, कभी हवाई अड्डा बनने वाला है उसका मुआयना करने, या ऐसे वो निकल रहे हैं, लेकिन उसका कोई राजनीतिक मैसेज नहीं होता है। अगर मुख्यमंत्री कहीं किसी बन रहे पुल का निरीक्षण करने जाए, सड़क का निरीक्षण करने जाए, तो उसका राजनीतिक मैसेज नहीं होता है। आज की जो जो विजिट है नीतीश कुमार की, और वो बाढ़ गए, बाढ़ उनका पुराना क्षेत्र रहा है, वहां अनंत सिंह के गांव उनके घर जाना, इसका राजनीतिक मैसेज है। बिल्कुल, इसके जरिए नीतीश कुमार ने एक राजनीतिक मैसेज दिया है। अब वो इस पर बहस होगी निश्चित रूप से, जो उनकी पार्टी के नेता ने कहा है कि भाई हमने एक बहस का बिंदु आपको दे दिया, आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात की बात कर रहे थे, जबकि उस पर स्पष्टता आ गई थी कि वो जो हम लोगों ने कहा भी था कि उस दिन वो तो सूचना आयुक्त की नियुक्ति का बैठक की बैठक थी, तो उसमें गए थे, उसमें मुलाकात हुई थी। हालांकि उस मुलाकात को लेकर के भी बहुत तरह की कहानियां आ रही है, लेकिन अब वो उन कहानियों को हम लोगों को फिल्टर करना होता है कि उस मुलाकात में क्या बात हुई। तो कुछ लोग इस तरह से बताया, कुछ लोगों ने जैसे उनको वो बात पक्के तौर पर पता होगी, कुछ पॉलिटिकल बात दोनों के बीच हुई है, हालांकि वो बात हुई नहीं हुई है अब कोई नहीं बता सकता है उन दोनों के अलावा। तो वो मुलाकात थी, और उस मुलाकात का एक राजनीतिक मैसेज निकाला गया था, और आज अनंत सिंह के घर जाने का भी एक राजनीतिक मैसेज। अनंत सिंह कुछ दिन पहले ही मिले थे उनसे, नीतीश कुमार के यहाँ जाकर के वो मिल करके आए थे, तो वो एक हो गई थी, जो औपचारिकता और शिष्टाचार मुलाकात होती है वो मुलाकात हो गई थी। चुनाव के बाद जो पैरोल पर निकले थे, और लोकसभा चुनाव में मुंगेर में जिस तरह से उन्होंने कैंप किया था, और उसके बाद उनका केस खत्म हुआ, वो निकले, तो जो औपचारिक शिष्टाचार की मुलाकात हो रही थी वो हो चुकी थी। ये राजनीतिक मैसेज देने के लिए नीतीश कुमार वहां गए हैं। अब ये नीतीश कुमार की अपनी योजना थी, उनके साथ जो उनके रणनीतिकार लोग हैं, चुनाव की रणनीति बनाने वाले, उन लोगों की योजना थी, लेकिन इसका एक राजनीतिक मैसेज है। अभी नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को, ज्ञानेश्वर जी, सिर्फ दो वोट हैं जिन पर पूरी घेराबंदी करने की जरूरत है, जिसके लिए चौहद्दी घेरनी है। वो वोट है भूमिहार का और कुशवाहा का। हम लोगों ने उस दिन भी चर्चा की थी, चार या पांच सीटें हैं जहां भूमिहार लोकसभा में जेडीयू बीजेपी से टूटा था, और पांच ही सीट है जहां कुशवाहा टूटा था। तो अगर 10 सीट मान लें तो विधानसभा की 60 सीटें होती हैं, एक एवरेज औसत निकाल रहे हैं हम। अगर इस उसी अनुपात में विधानसभा चुनाव में जो विपक्षी गठबंधन है, जो इंडिया ब्लॉक है, अगर उसी अनुपात में टिकट देता है भूमिहार को, कुशवाहा को, ब्राह्मण को, और फिर उस तरह की टूट होती है, तो वो एक बड़ी चिंता की बात हो जाएगी जेडीयू और बीजेपी के लिए। दोनों को ये मैसेज देना है कि ये जो कोर वोट है हमारा, शुरू से कोर वोट है, आप 1994-95 से, जिस दिन उस दिन जेपी नड्डा के साथ मंच पर नीतीश कुमार याद दिला रहे थे ना कि हम लोग 1995 से इनके साथ हैं, तो 95 से ये वोट भी उनके साथ है। लौकुश का समीकरण और भूमिहार ब्राह्मण का वोट, देखिए 90 के दशक में राजपूत का वोट नहीं था नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ, बाद में स्थितियां बदली, वो वोट आया, उस समय नहीं था वो वोट, और उसके कई कारण थे। उसमें एक बड़ा कारण ये था कि राजनीतिक रूप से राजपूत उस तरफ वोट देता था जिस तरफ भूमिहार लोग नहीं देते थे, मतलब जहां भूमिहार ब्राह्मण का वोट जाता था उसके एंटी राजपूत का वोट जाता था, और उनके साथ आरजेडी में एक उनको एक बढ़त थी, जहां जगदानंद सिंह थे, रघुवंश प्रसाद सिंह थे, प्रभुनाथ सिंह थे, सारे लोग थे, तो वो वोट उस समय तक नहीं था। उस समय तक दो ही वोट थे, भूमिहार और ब्राह्मण के, जो नीतीश कुमार की समता पार्टी और बीजेपी के साथ थे, या फिर लॉकुस का वोट था। ये चार वोट आपको कोयरी, कुर्मी, भूमिहार और ब्राह्मण, जिसमें बाद में नीतीश कुमार ने और वोट जोड़े। अब संकट लोकसभा चुनाव में इसी वोट पर आ गया है ज्ञानेश्वर, कि भूमिहार भी कास्ट देख करके टूटने लगा, अपने कास्ट का कैंडिडेट देख करके, तो ये तो एक हुआ ना कि कोई लालच दे देगा, कोई गाजर लटका देगा, तो आप टूटेंगे। तो उसको टूटने से रोकना है, और दूसरा कुशवाहा को भी टूटने से रोकना है। तो ये मैसेज, कुशवाहा का मैसेज हो चुका था, हम आप कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भगवान सिंह कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा, तमाम ये कुशवाहा का मैसेज हो चुका। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, जो उस पद पर बिठा करके एक मैसेज दे दिया गया है ताकि आगे विधानसभा चुनाव में वो वोट न टूटे। अब भूमिहार को मनाना था आपको, अभी कुछ अलग कारणों से, जो जिन कारणों से जेडीयू चर्चा में रही, जहानाबाद में बयान को लेकर के, उसके बाद से भी एक मैसेज था कि हो सकता है कि नाराजगी हो। तो अब उस नाराजगी कितनी दूर होगी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मैसेज देने के लिए उन्होंने अनंत सिंह को चुना। देखिए और भी किसी को चुन सकते थे, ललन सिंह तो साथ में ही है। अजीत जी अनंत सिंह किस मेटल के बने हैं, हाँ, और उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके साथ विवाद क्या होते हैं, 47 का विवाद, बाकी विवाद, इसकी परवाह भी नीतीश कुमार ने नहीं की। और नीतीश कुमार ने जब यह समझ लिया
कि बीजेपी वालों को सुनील पांडे से गुरेज नहीं है तो हमें अनंत सिंह से क्या परेशानी है, क्यों परहेज करें। हाँ ये उन्होंने मैसेज देने के लिए अनंत सिंह को चुना। और देखिए नीतीश कुमार इस मामले में नरेंद्र मोदी के समकक्ष हम उनको रखते हैं कि प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स जो होती है, जो व्यवहारिकता की पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एकदम आप बराबर रख सकते हैं। दोनों पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं और ये हम लोगों ने 2000 में देखा था जब बेऊर जेल में बंद तमाम लोगों से नीतीश कुमार ने समर्थन लिए थे। हम लोगों ने तब भी देखा था जब आनंद मोहन सिंह जी जेल में बंद थे और उनके घर चले गए थे, नीतीश कुमार उनकी माँ से मिले थे और जेल में बंद व्यक्ति से फोन पर बात की थी नीतीश कुमार। इसको लेकर उस समय बड़ा विवाद भी हुआ था लेकिन नीतीश कुमार को तब एक मैसेज करना था और वो मैसेज उन्होंने कर दिया था। बाद में जो हुआ सो हुआ, संबंध तब भी बिगड़े उनके आनंद मोहन जी से, लेकिन वो उस समय एक मैसेज देने की जरूरत थी। इस बार उन्होंने अनंत सिंह को इसलिए चुना, हमको जहां तक लग रहा है वो इसलिए चुना क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह से जहां अगड़ा पिछड़ा बनाने की बात हुई, जहां अशोक महतो से टकराव की बात हुई, तो वहां प्रतिनिधि चेहरा अनंत सिंह का ही था कि अनंत सिंह आए हैं और उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है उस थ्रेट को, उस पूरे इलाके में उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है। दूसरा, आज आप सोशल मीडिया आप खोल करके देखिए, रील्स देखिए और जो वीडियोज बन रहे हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, उसमें भूमिहार की महानता बताने वाले जितने भी रील्स होते हैं उसमें वीडियो अनंत सिंह की होती है। बिल्कुल, उसमें तमाम आप रील्स देखिए, बड़ी गाड़ियों का काफिला हो या अनंत सिंह बैठे रहे, अनंत सिंह वन लाइनर बोल रहे हैं, उनके वन लाइनर्स तो ऐसे मशहूर हो गए हैं जैसे हिंदुस्तान में हरिशंकर परसाई के या पाकिस्तान में मुश्ताक अहमद यूसुफी के रहे हो, इस तरह से उनके वन लाइनर्स मशहूर हो गए वीडियोज में। तो एक उनको दिख रहा है कहीं ना कहीं, जो भी चुनाव की रणनीति बनाने वाला उनके पास भी होगा ही, कि यूथ किससे कनेक्ट कर रहा है। तो भूमिहार का भी यूथ कहीं ना कहीं अनंत सिंह के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो एक मैसेज देना था, विजय चौधरी और ललन सिंह तो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, तो एक मैसेज। ललन सिंह लोकसभा चुनाव के बाद और मंत्री बनने के बाद पहली बार कार्यक्रम में प्रकट हुए, इसलिए यह लग रहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल इलेक्शन मोड में आ गए हैं। ललन सिंह को भी बुला लिया कि चलिए अब बिहार लड़ते हैं क्योंकि चुनौतियां कई हैं। इस बार तेजस्वी यादव से नहीं, प्रशांत किशोर से भी लड़ना है, जो कई दूसरे प्रकार की बातें कर रहे हैं और बिहार के सेंटिमेंट्स को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए यह मैसेज हुआ। और देखिए अशोक चौधरी की वजह से जहां नाराजगी की बात आई थी भूमिहार के उनके बयान से, तो इन दिनों आपने देखा होगा कि अशोक चौधरी और अनंत सिंह की भी बड़ी दोस्ती दिखती है, उनके भी काफी सारे वीडियो हैं, घर पर आना जाना मिलना जुलना हुआ है। तो वो सब एक मैसेज, इस मुलाकात में एक राजनीतिक मैसेज था जो नीतीश कुमार ने दे दिया। अब अनंत सिंह घूमेंगे, अनंत सिंह अब सिर्फ एक सीट के विधायक नहीं है, अनंत सिंह सिर्फ एक सीट के नेता नहीं है कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो घूमेंगे और उनके जरिए एक मैसेज होगा उस वर्ग को जो सबसे कोर वोट रहा है जेडीयू और बीजेपी का, और कुशवाहा को अपना मैनेज कर ही रहे हैं, वो कुर्मी को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, उनकी वजह से सब मैनेज। अरे एक और संदेश है ना जी, एक और संदेश है कि देखिए हमने ही यह खबर देखी कि अशोक महतो मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें सच्चाई भी है। तो देखिए आगे क्या होगा, जो वहां कुर्मी कोई लब कुश है उसे नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले ही संदेश दे दिया अनंत सिंह के घर जाकर कि मैं तो अनंत सिंह के साथ। बिल्कुल वही तो, कई राजनीतिक मैसेज इससे निकले। ये मुलाकात अनायास नहीं थी कि अचानक उठे और मुख्यमंत्री चले गए, वो ऐसा आजकल कर रहे हैं जैसा आपने कहा कि कोई मिलने को कह रहा है उनके यहाँ कि हम आपके घर आते हैं तो वो उसी के घर चले जा रहे हैं। तो ये कल ही हुआ, देवेश चंद्र ठाकुर के घर पहुंच गए, देवेश चंद्र ठाकुर मिलने का समय मांग रहे थे, नीतीश कुमार बाहर निकले हुए थे, नीतीश कुमार ने कहा गाड़ी मोड़िए, देवेश जी के घर ही प्रकट हो जाते हैं और प्रकट हो गए तो चले गए उनके यहाँ, तो वो भी कर रहे हैं। और ये प्लांड मीटिंग थी, ये प्लांड पूरी तरह से ये प्लान करके और ये मुलाकात हुई है। इसका एक मैसेज दिया गया है कि जो ए टू जेड की पॉलिटिक्स करना चाह रही है आरजेडी या अखिलेश प्रसाद सिंह की वजह से कांग्रेस जो उम्मीद कर रही है या लोकसभा में जो उनको फायदा हुआ है 4-5 सीटों पर, वो विधानसभा में नहीं होगा। विधानसभा में किसी भी तरह से ऐसा नहीं होने देना है, नहीं तो वो नुकसान बहुत ज्यादा इन लोगों को चुनाव में वोट के मामले में, वोट प्रतिशत के मामले में बहुत नुकसान हो सकता है और धारणा के स्तर पर, परसेप्शन के स्तर पर भी जेडीयू बीजेपी जो एनडीए का गठबंधन है उसको नुकसान हो सकता है। अब जो हम लोग आए कि वहां ललन सिंह आए, वही कार्यक्रम में आए और वहां से ये लोग अनंत सिंह के यहाँ गए, तो इसका ये भी मतलब है जो आपने दूसरा पक्ष आपके पहले ओपनिंग रिमार्क्स का था कि बिहार चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार अब चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और ये जो चार स्टेट के चुनाव निपटते ही उसका फैसला हो जाएगा।
बिल्कुल अभी चार स्टेट में भी पहले दो स्टेट के चुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को उसके नतीजे आ जाएंगे। तो 8 अक्टूबर के नतीजे के आधार पर बीजेपी और जेडीयू को, बीजेपी और पूरे एनडीए अलायंस को झारखंड और महाराष्ट्र की रणनीति बनानी है। तो अब अगर जिस तरह से जितना नजदीक चुनाव आता दिख रहा है, ज्ञानेश्वर जी ये भी सोचना चाहिए लोगों को कि अगर नवंबर में चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र और झारखंड का, तो क्या बिहार और दिल्ली भी नवंबर में हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई वो, अगर दिल्ली का चुनाव 6 महीने बाकी रह जाएंगे तो वो तो चुनाव आयोग के परव्यू में आ गया कि चुनाव आयोग जब चाहे फैसला कर ले वहां का। दिल्ली का वो जनवरी में चुनाव होता है, उसको 3 महीने पहले करा सकता है चुनाव, नवंबर में चुनाव आयोग। और नीतीश कुमार चाह रहे हैं, ये हम लोग पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं जब से वो आए हैं एनडीए में, इस साल जनवरी से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव समय से पहले हो जाए। वो तो लोकसभा के साथ चाहते थे चुनाव, तो लोकसभा के साथ अगर करा लिया रहते तो जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं सबको पता है वो बेहतर ही होता है एनडीए के लिए। लेकिन उस समय ये सोचा गया होगा कि क्या पता लोकल एंटी इनकम्बेंसी कहीं लोकसभा पर मत हावी हो जाए, तो उस समय टाल दिया गया उस चुनाव को। तो अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो, और ये आपको भी सूचना है, हमको भी सूचना है कि बीजेपी का भी मन बदलने लगा है कि समय से पहले चुनाव करा ले। अब तक बीजेपी का मन नहीं था, और ये मानिए कि बीजेपी समय से पहले चुनाव नहीं कराती है, शायद ही कोई स्टेट होगा जहां, हमको एकदम ध्यान नहीं आ रहा, ज्यादातर कोई स्टेट संभवता नहीं है जहां बीजेपी समय से पहले चुनाव के लिए जाए, एक दिन पहले चुनाव में नहीं जाती। आप लोकसभा चुनाव को ही देखिए, इतनी गर्मी होती है लेकिन चुनाव मई जून में ही होता है। और पहले बार से, जब पहली बार जब 14 में नरेंद्र मोदी जीते थे तो 10 या 14 मई को नतीजे आए थे, फिर 26 मई को नतीजे आए, फिर 4 जून को, 13 मई को नतीजे आए थे, फिर 26 मई को आए, फिर 4 जून को आए। तो वो डेट बढ़ता जाता है, समय से पहले नहीं होता है, समय के आगे होता है। तो बीजेपी चाह रही होगी पहले की, पहले चाह ही रही थी कि दिल्ली में भी समय से चुनाव हो, क्योंकि वो सत्ता छोड़ने का कोई मतलब नहीं, अभी जब सरकार में है तो क्यों छोड़ दें उसको। लेकिन नीतीश कुमार अपने 43-44 सीट को लेकर के और एक तरह के कॉम्प्लेक्स में है जो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो चुनाव आगे आना है, चुनाव समय से पहले होना है, नवंबर में नहीं जाना है, और उसके कई कारण है जिसमें एक कारण प्रशांत किशोर है, हम लोग आगे बात कर लेंगे। लेकिन ये सोचिए, इस पर विचार करना चाहिए कि क्या क्या चुनाव जनवरी फरवरी के बजाय नवंबर में भी हो सकता है, क्या चुनाव उसके पहले भी प्रीफॉर्म्ड हो सकता है, क्या अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में रिस्पॉन्स ठीक होता है तो क्या एनडीए ये सोच सकता है कि झारखंड के साथ बिहार का भी चुनाव कराएं, उसी के साथ दिल्ली का चुनाव कराएं। इस संभावना पर भी विचार से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव तो कभी भी हो सकते हैं। चुनाव आयोग को अगर इतना समय है नवंबर में, 8 अक्टूबर के बाद चुनाव की घोषणा करनी है झारखंड और महाराष्ट्र की, तो 8 अक्टूबर के बाद कभी भी घोषणा कर सकते हैं, तो बिहार की भी कर सकते हैं, 2 महीने का समय रहेगा जी। तो ये संभव है, संभव मतलब 50-50 आप मान के चलिए कि जनवरी फरवरी में होगा, अगर उसके पहले होता है तो ये स्थिति डिपेंड करेगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किस तरह के नतीजे आते हैं। अगर सेटबैक होता है बीजेपी को, जिसकी ज्यादा संभावना है कि सेटबैक होगा, दोनों जगह उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर हो सकता है कि चुनाव टले, फिर आगे जाए चुनाव। तो ये मान के चलना चाहिए हम लोगों को कि नवंबर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, बिहार के चुनाव उसके पहले हो रहा है, जनवरी में हो रहा है, फरवरी में हो रहा है, या नवंबर दिसंबर में हो रहा है, ये अभी थोड़े दिन के बाद पता चलेगा, मतलब अक्टूबर में नतीजे आएंगे। तो बिल्कुल लेकिन चुनाव का शुरू हो गया है टाइम, और नीतीश कुमार चुनाव के मोड में आ गए हैं, तेजस्वी यादव चुनाव के मोड में है ही, ऑलरेडी वो घूम रहे हैं, और बीजेपी तो 24 घंटा चुनाव लड़ने की मशीनरी हो गई है कि वो 24x7x365 उसका चुनाव की मशीनरी चलती रहती है। तो तेजस्वी यादव की यात्रा भी कल से शुरू हो रही है, प्रशांत किशोर लगातार यात्रा कर रहे हैं, और देखिए 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी भी हो जाएगी, और बहुत लंबे अरसे के बाद, कई दशकों के बाद बिहार में कोई एक पार्टी होगी जो सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही होगी, और वह पार्टी होगी प्रशांत किशोर की। और देखिए, जब से चुनावी चर्चा शुरू हुई है, प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, एक बात और नोटिस करने की है कि चुनाव को लेकर सिर्फ 3 लोगों की चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर। जोरन की चर्चा कहीं नहीं हो रही है, सारे जोरन जो हैं वो अभी हाशिए पर चले गए हैं। तो प्रशांत किशोर को तो किसी के साथ समझौता करना नहीं है, गठबंधन करना नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि भाई 243 लड़ेंगे, किसी चोर बदमाश अपराधी को नहीं देंगे, बिहार के मुद्दे होंगे। तो प्रशांत किशोर की चुनौती, क्योंकि बड़े रणनीतिकार, देश के सबसे बड़े रणनीतिकार नरेंद्र मोदी के साथ, देखिए उन्होंने अभी रजत शर्मा के साथ आपकी अदालत में कहा, जब यह सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसे गड़बड़ा गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए जब
हमने नरेंद्र मोदी के साथ रहना शुरू किया 2011 में, तो 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जब लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनना था और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात के नतीजे अच्छे नहीं आए थे, तो नरेंद्र मोदी भी चकित थे। तो और उसी तरीके से अभी यूपी के नतीजे ठीक नहीं आए, तो गुजरात के लोगों को लगा कि यदि आडवाणी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हमारे आदमी का जो भविष्य है वह और देर हो जाएगा। तो यूपी में भी ऐसा ही हुआ कि लगा कि यदि बहुत बड़ी बहुमत दे देते हैं मोदी और अमित शाह को तो हमारे योगी जी का भविष्य और देर हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर 2011 चुनाव विधानसभा का, नरेंद्र मोदी के साथ 2014 लोकसभा का, चाय से चर्चा से लेकर हर मोदी घर घर मोदी, फिर बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के जितने शिष्य परंपरा वाले लोग हैं वे सभी पटना लैंड करने लगे हैं गुरु सेवा में। तो फिर ये तो बड़ी चुनौती और मुद्दों की बात तो होने ही लगी है। देखिए अब इसमें एक जो आपने चर्चा कर दी, आपकी अदालत प्रोग्राम की जज थी तवलीन सिंह, तो उनका जजमेंट सुनने लायक था और वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है बिहार के चुनाव के लिए। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो बिहार में कुछ भी नहीं बदलेगा, सोचिए। तो आप और इसको सिर झुका करके, प्रशांत किशोर ने सिर झुका करके हाथ जोड़ करके जज की कुर्सी पर वो बैठी थी, उन्होंने स्वीकार किया। तो अब ये बहस होगी कि प्रशांत किशोर क्या मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, ये चर्चा होगी। जैसे चुनाव आएगा, जैसे उनकी पार्टी बनेगी, वैसे ही मुख्यमंत्री पद की बात शुरू होगी और बाकी जो दो पार्टियां जो आपने कहा नीतीश कुमार है तेजस्वी यादव है, वहां मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित है कि नीतीश कुमार होंगे और तेजस्वी यादव होंगे। तो प्रशांत किशोर जो बार बार पूछा जाएगा कि आप बिना दूल्हे की बारात लेकर के निकल रहे हैं, तो उनको कहना होगा। अगर जो जज तवलीन सिंह ने पता नहीं इसके राजनीतिक पहलुओं पर विचार किया या नहीं कहते हुए, उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और मैं ये कह रही हूं कि, तो वो एक फैन मोमेंट था कि आपने जिस व्यक्ति की आप फैन है वो सामने बैठा हुआ है, आपको उसके बारे में जजमेंट देना है, तो उस भावावेश में उन्होंने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को, सामाजिक संरचना को, जो डिवीजन है कास्ट के लाइन पर, उसको कंसीडर नहीं किया। वो पुरानी जर्नलिस्ट है, बहुत पुरानी जर्नलिस्ट है और राजनीति में बहुत ही गहरे बैठ करके उन्होंने देखा है दिल्ली की राजनीति को। उनकी एक किताब है दरबार, आप पढ़िए, उसमें इतनी कहानियां दिल्ली की उस समय जब वो ये कितनी करीब थी मेनका गांधी के और वसुंधरा राजे के और नवीन पटनायक। अभी अभी मैंने एक कॉलम पढ़ा था, वन लाइनर यदि हम बताएं तो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर और मोदी सरकार की प्राथमिकता पर, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखी है, उन्होंने लिखा कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया, तभी हमने समझ लिया कि शिक्षा किस प्राथमिकता में, किस पायदान पर प्राथमिकता। ठीक बात है, वो इसी अंदाज में लिखती है, उनको कोई परेशानी नहीं हुई, वो लगातार लड़ती रही सोनिया गांधी, वो लिखती है कि उस परिवार ने कितना उनको परेशान किया, कितना नुकसान हुआ उसका, वो बेबाक लिखती बोलती है। लेकिन वो फैन मोमेंट था, उन्होंने जो बिहार की राजनीतिक वास्तविकताएं हैं, सच्चाइयां हैं, उनको उन्होंने कंसिडर नहीं किया। जैसे ही प्रशांत किशोर का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आएगा, सोसाइटी का डिवीजन बहुत बढ़ेगा, उसमें अलग तरह की राजनीति होगी और इस बात को निश्चित रूप से प्रशांत किशोर भी इस पहलू पर विचार कर रहे होंगे। अगर वो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब उसके बाद उनकी चुनाव की लड़ाई, उनकी लड़ाई क्या उतनी ही मजबूत रहेगी या नहीं रहेगी, बिल्कुल। तो ये सब चीजें वो भी कंसीडर कर रहे होंगे, ये एक पहलू है। और उससे अगर नीतीश कुमार की तैयारी देखिए, नीतीश कुमार को और बीजेपी को, जेडीयू बीजेपी दोनों को इस बात का की चिंता होगी, इस बात का खतरा होगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ सवर्ण जा सकते हैं जी, सवर्ण खासतौर से ब्राह्मण और भूमिहार उनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि किसी को बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने उनका नुकसान करने के लिए ही, या चाहे जिस स्ट्रेटजी के तहत कहा हो, उनका पांडे सरनेम सबको बता दिया है कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, ये जगदानंद सिंह ने चिट्ठी में भी लिख करके कहा। तो वो कितना इफेक्ट करेगा चुनाव को, इसकी चिंता में नीतीश कुमार अब घूम रहे हैं, अनंत सिंह के यहाँ जाना भी उसी चिंता में है, और ब्राह्मण भूमिहार का जो अपना फॉरवर्ड का वोट है उसको कंसोलिडेट करने के लिए जेडीयू बीजेपी की तरफ से बहुत मेहनत हो, और उसी अनुपात में मेहनत करनी होगी आरजेडी को अपना मुसलमान वोट बचाने की, क्योंकि ये हम लोग चर्चा करते रहे और यह ग्राउंड की फीडबैक थी जो हमको मोतिहारी में भी मिली थी जब हम रहे 15 दिन वहां। लोगों ने कहा कि अगर फॉरवर्ड गया तो मुसलमान जाएगा निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के साथ,
नहीं अजीत जी तो वो तो देखिए अजीत जी वो प्रशांत किशोर तो कहीं रहे हैं ना कि हम 40 मुसलमानों को टिकट देंगे, और देखिए वो डाटा से खेल, वो नतीजे बता रहे हैं कि जहां 60,000 मुसलमान थे वहां, और जहां 60,000 मुसलमान 20,000 यादव, आपने यादव को टिकट देकर मुसलमानों को के वोट से उन्हें विधायक बनवा दिया, लेकिन जहां 60,000 यादव थे 20,000 मुसलमान थे वहां आपने मुसलमान को वोट नहीं दिया और यादवों के वोट से आपने, तो देखिए वो डाटा से खेलते हैं। और तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर हैं, कल ही उन्होंने कहा कि देखिए तेजस्वी यादव की तुलना हम क्या करें, उन्होंने शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन की बात कर दी कि शाहरुख खान अपने बलबूते स्टारडम बने, उन्होंने संघर्ष किया फिर मुकाम हासिल किया और फिर अपने शर्तों अपनी शर्तों पर वे फिल्म बनाते हैं और निर्देशक को बात माननी पड़ती है। लेकिन अभिषेक बच्चन आज भी अमिताभ बच्चन के बेटे ही हैं और अमिताभ बच्चन की कृपा से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो वो बिल्कुल नई बातें कर रहे हैं ना जो लोगों के सामने बिल्कुल टूटती है। उन्होंने बड़ा सोच समझ के शाहरुख खान का प्रतीक चुना, वो भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं मुसलमानों को, तो मैसेज देना ही है उनको। ऐसे सेल्फ मेड हीरो और भी बहुत है इंडस्ट्री में जिनसे तुलना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शाहरुख खान को चुना, तो वो एक प्रतीकों का इस्तेमाल बहुत बढ़िया करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए। तो शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन की तरह उन्होंने ठीक ही है कि रख दिया तेजस्वी यादव को कि भाई वो लालू यादव राबड़ी देवी के बेटे के तौर पर, जैसे राबड़ी देवी भी लालू यादव की पत्नी के नाम से ही वहां नेता बनी रही और तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे के तौर पर राजनीति कर रहे हैं, तो यादव का वोट तो उनके साथ रहेगा। इस बात को मोटे तौर पर प्रशांत किशोर ने भी मान लिया है, यादव का वोट विधानसभा चुनाव में नहीं टूटेगा, ये हम लोग को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको अपना वो चांस है, उसको लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव को मौका मिल सकता है मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि प्रशांत किशोर एक फैक्टर है जो वोट काटेंगे जेडीयू और बीजेपी का, एनडीए का वोट काटेंगे, ये इस फैक्टर को वो लोग महसूस कर रहे हैं। और अगर अगर महात्मा गांधी का नाम जिस तरह से लेते हैं, महात्मा गांधी के प्रतीकों का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं प्रशांत किशोर, अगर वो यूज करते हैं तो वो अत्यंत पिछड़ा महादलित वोट में भी वो उनकी नजर है कि वो वोट भी उनके साथ आए, तो उससे भी आरजेडी को ज्यादा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरजेडी को सिर्फ यादव मुस्लिम और अगर मुकेश सहनी साथ में रहते हैं, देखिए मुकेश सहनी का एक बड़ा फैक्टर होगा, अगर वो साथ में रह जाते हैं इंडिया ब्लॉक के, तो हम लोगों ने देखा है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने उनके साथ आया मल्लाह वोट आया, लोकसभा के जैसे चुनाव में जब नेता नरेंद्र मोदी को चुनना था तब भी मुसलमान साथ में, तब भी मल्लाह साथ में आया था और कोई कैंडिडेट भी नहीं था मल्लाह, जो मुकेश सहनी की पार्टी से कोई मल्लाह कैंडिडेट नहीं था, तब भी मल्लाह उनको वोट दिया था। विधानसभा चुनाव में वो घोषित तौर पर उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर लड़ेंगे, तो अगर जो एमके ने ये जो MYK कहा जा रहा है, MYK या MYM कहिए, MY मल्ला मुसलमान यादव माइक कहा जा रहा है, माइक कहा जा रहा है जी, हाँ, तो उसको अगर वो साथ में रहता है तो ये ठीक ठाक वोट बैंक है। अगर उसमें एनडीए का वोट बटता है प्रशांत किशोर की तरफ से तो कम वोट पर भी इंडिया ब्लॉक को जीत हासिल हो सकती है, कम बिल्कुल, तब जरूरी नहीं है कि 40% से ज्यादा वोट ले आया जाए, तब उससे कम पर भी चुनाव जीता जा सकता है। ट्रायंगुलर फाइट में जो है फायदा उसको हमेशा होता है जिसका वोट आधार ज्यादा बड़ा है, तो ट्रायंगुलर फाइट में वो तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है। इस बात को नीतीश कुमार समझ रहे हैं, बीजेपी समझ रही है, तो उनकी बड़ी चिंता है अपना वोट रोकने की, फॉरवर्ड का वोट और याद और तेजस्वी पर दबाव है कि वो मुसलमान का वोट जाने से रोके, तो प्रशांत किशोर ने दोनों के लिए किसी न किसी स्तर पर चुनौती खड़ी की है। अब इस चुनौती से दोनों कैसे पार पाते हैं और चुनाव तक किस तरह से इसको और आक्रामक तरीके से जनता के बीच में ले जाते हैं अपने एजेंडे को प्रशांत किशोर और अपनी चुनावी रणनीति को, वो करेंगे। देखिए वो आपने कई बार कहा है और हम जान रहे हैं कि जब पार्टी बनेगी तो उसके बाद पूरे प्रदेश में सिर्फ उन्हीं की पार्टी दिखाई देगी, सिर्फ जन स्वराज दिखाई देगा, उनके पास इतने साधन हैं और वो सोशल मीडिया का जिस तरह का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अभी देखिए उन्होंने सोचा कि हम मीडिया में हमको आना है, अपना पार्टी बनने के पहले एक राउंड हमको मीडिया में जा करके अपनी बात कहनी है, तो पटना से लेकर के दिल्ली तक पूरा मीडिया उनके लिए बिछा हुआ था, उन्होंने जिसको चाहा उसने उनसे बात की। आज ये सुविधा बिहार के किसी नेता को नहीं है कि वो जब चाहे तब जिस मीडिया से चाहे बात करे, इंटरव्यू करे, जिस प्रोग्राम में जाना चाहे चला जाए, उस तो वो सुविधा उनके साथ है, वो मीडिया उनको बहुत पसंद कर रहा है और बिहार के लोगों में भी एक कौतूहल है उनको लेकर के, जिज्ञासा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सुनना भी चाह रहे हैं उनको, देखना भी चाह रहे हैं। देखिए ये भी एक चैलेंज है, नीतीश कुमार बहुत मीडिया फ्रेंडली नहीं रहे, नहीं है स्थिति में नहीं है, तेजस्वी यादव भी बचते हैं कठिन सवालों से क्योंकि 2005 के पहले की बात आ जाती है, और जो प्रशांत किशोर मुद्दा बना रहे हैं वे बार बार कह रहे हैं कि देखिए मैं ये नहीं कहता
कि पढ़ा लिखा ही आदमी काबिल होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के माता पिता दोनों मुख्यमंत्री हो और वह अपने बेटे को सिर्फ नौवीं कक्षा तक पढ़ाई कराए, तो शिक्षा की महत्ता क्या है? माता पिता जो मुख्यमंत्री हैं उनके नजरिए से देखिए तो फिर बिहार का दर्द समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल, ये बात उन्होंने कही कि अगर किसी मजबूरी में कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सका तो उसकी अलग बात होती है, लेकिन आपके पास सारी सुविधाएं हो और आप नहीं पढ़े तो आप क्या सोचते हैं, आपके माता पिता क्या सोचते हैं शिक्षा के बारे में? और शिक्षा एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बिहार में होने वाला है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, देखिए सड़क बिजली पानी तो आ ही गई है, उसकी सुविधा सबको मिल रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फोकस है, उसके बाद रोजगार है। शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा लोग बाहर जा रहे हैं और रेवेन्यू बिहार से बाहर जा रहा है, उस व्यवस्था को सुधारना और बिहार में रेवेन्यू रोकना, ये एक मॉडल है, एक कैंपेन का तरीका है प्रशांत किशोर पे, वो कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की चुनौती है आज का जो घटनाक्रम, जहां से हम लोगों ने बात शुरू की थी कि अनंत सिंह यहाँ चले गए नीतीश कुमार, तो कहीं ना कहीं उसमें भी प्रशांत किशोर की चुनौती है। फॉरवर्ड वोट जो दूसरा, उसमें ये विधान लोकसभा चुनाव की भी चुनौती थी जब लोकसभा चुनाव में भूमिहार का वोट टूटा था, नाराजगी हुई थी, तो उसको भी साधना है, अपने कोर वोट को साधना है। तो नीतीश कुमार उस मेहनत में भागदौड़ कर रहे हैं, ये भागदौड़ आगे और बढ़ेगी, और भागदौड़ इसलिए बढ़ेगी जब अपनी यात्रा में हम लोग आगे चर्चा करेंगे ही, अपने तेजस्वी अपनी यात्रा से क्या नैरेटिव सेट करते हैं इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, वो किन चीजों का जवाब देते हैं। प्रशांत किशोर उनके बारे में जो चीजें कह रहे हैं वो उनका जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। उन्होंने करप्शन, भ्रष्टाचार और अपराध, इसका जो मुद्दा उठाया हुआ है, रोजगार का मुद्दा उठाया है, उससे वो कितना कनेक्ट कर पाते हैं आम लोगों से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, तो उससे भी एक नैरेटिव चुनाव का साफ होगा, स्पष्टता आएगी। थोड़ी हमको लग रहा है कि उनकी यात्रा से, प्रशांत किशोर तो यात्रा कर ही रहे हैं, नीतीश कुमार भी सक्रिय हो गए, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, तो इससे अब चुनावी तस्वीर में, राजनीतिक तस्वीर में, राजनीतिक परिदृश्य में थोड़ी स्पष्टता आएगी बिहार में, और चुनाव कितना नजदीक आ रहा है इसका भी पता चलेगा, उस पर कौन किस तरह से रिएक्ट करता है इससे भी अंदाजा लगेगा। तो चलिए कल का इंतजार करते हैं, कल तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे, समस्तीपुर पहुंचेंगे और किस तरीके से नैरेटिव सेट होता है, क्या सच में हरा गमछा लहराना बंद हो जाता है, क्या लहरिया कर स्वागत नहीं होता है, इस पर भी ध्यान रखना होगा। और तेजस्वी यादव हॉल के भीतर शायद मीडिया को इजाजत ना मिले अधिक समय के लिए, लेकिन बात तो निकल कर आएगी ही ना कि हॉल के भीतर किन मुद्दों पर वह संवाद कर रहे हैं और उनका फोकस कहाँ है, तो तेजस्वी यादव का इंतजार करना होगा। कल यात्रा शुरू होगी, फिर हम लोग चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और चुनाव की ओर बढ़ता बिहार कहाँ क्या दिख रहा है, इससे लगातार हम रूबरू कराते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और चलते चलते यदि अब तक आपने लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।